मारे तो हम लोग भी फिर गुस्से भी आ गए। हम अच्छा। लोग चलो फिर कहाँ जाना, वो चल गया। फिर उधर हमें इमिग्रेशन के ऑफिस में ले गया उधर जाके। तो इमिग्रेशन वालों ने फिर हम लोगों को ना पहले तो चेयर पे बैठाया, सबके पासपोर्ट ले लिए, सबसे क्वेश्चन करने लगा कि आप अपने वीजे दिखाओ किस किस के पास है। तो हम लोगों का पास स्टिकर वीजा था मेरे पास और साथ वाले लड़के के पास ना, तो हमने स्टिकर वीजा दे दिया उसको। और दूसरे बंदे थे उनके पास ना ई वीजा था, अच्छा, वेलकम उन्होंने। बैक टू द चैनल। मैं रोविंद धीमान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई, अपने बहुत सारे इंडियन भाई अभी क्या कर रहे हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए बाय लैंड बॉर्डर थाईलैंड जाते हैं पहले, फिर वहाँ से दूसरी कंट्री जैसे लाओस है, कंबोडिया, वहाँ जाते हैं। तो भाई, अभी जो लोग ऐसा कर रहे हैं, फिर ऐसा करने वाले हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। और इसमें आपको पता चलेगा कि भाई अभी वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है। अभी मेरे साथ मुखी जी हैं, इन्होंने रिसेंटली ट्रैवल किया था थाईलैंड, लाओस, लाओस से कंबोडिया। तो ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हैं, और जब ये पूरी करेंगे अपनी, तब हम वो भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे डेफिनेटली, और उससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अभी हम बात करेंगे कि लाओस से कंबोडिया जब ये इमिग्रेशन क्रॉस कर रहे थे बाय लैंड बॉर्डर, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हुई जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे जी बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करी आपने, और लाओस बॉर्डर से जब कंबोडिया आ रहे थे तो। लाओस बॉर्डर से सर जब कंबोडिया आए ना, तो पहले तो जैसे ही हम लाओस में अपना एग्जिट वाली इमिग्रेशन करवाते हैं, लास्ट वाली वो करवाने गए, तो वहां पे हम खिड़की पे खड़े हुए, मैडम वाली मैडम थी पहले, तो उन मैडम ने बोला कि आप ऐसे करो साथ वाले सर के पास चले जाओ। अब वहां पे सर के पास गए तो वो बोले कि आप ऐसे करो हमें ना दो दो डॉलर दो, अच्छा। अब दो दो डॉलर दो मतलब एग्जिट स्टैम्प के लिए। तो अगर आपके पास वो बाउचर नहीं है जो वहां पे लास्ट जब हम लाओस की तरफ से एंट्री पे मिलता है ना एक बाउचर का, वो नहीं है तो फिर आपको 5-5 डॉलर देने पड़ेंगे। तो अच्छा, हमने तो बोला उनको कि मतलब ये तो कोई पॉलिसी नहीं है ना, मतलब एग्जिट पे तो कोई पैसे लेता ही नहीं है। तो वो नहीं माना उसने ना, मतलब तब तक एग्जिट नहीं किया जब तक हम लोगों से ना पैसे नहीं लिए। हमारे पास अराइवल कार्ड था इसलिए हमें हमसे दो 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 डॉलर लिए, और साथ ना चार बंदे और थे पंजाब के, उससे उन्होंने मतलब 5-5 डॉलर लिए एग्जिट करने के। हाँ तो एग्जिट करने के आपके पास, देखो वीजा तो आपने स्टिकर वीजा ले लिया था कंबोडिया का, जी हाँ जी हाँ जी, तो उसके बाद भी एग्जिट कर लेते हैं ये। एग्जिट तो कर लेते, मान ही नहीं रहे थे तब तक स्टैंप ही नहीं लगाई इन्होंने, जब तक अच्छा। हमने पैसे नहीं दिए। फिर हमने दो दो डॉलर दे दिए इनको वहां। तो चलो एग्जिट वहां से हो गए, और कोई कुछ तो कहा नहीं उन्होंने। फिर हम लाओस उधर कंबोडिया बॉर्डर की तरफ चले गए। फिर तो कंबोडिया बॉर्डर पे जाते ही पहले ना मेडिकल के नाम पे ना ये एक एक डॉलर लेते हैं, अच्छा। तो हमने वो दे दिया कि शायद इनकी पॉलिसी होगी मेडिकल के नाम पे लेते होंगे, लेकिन डॉलर नहीं, हमने 20-20 हजार ना उनकी लाओस की जो करेंसी है दे दे कीप, 20-20 हजार कीप दे दिया हम लोगों ने। चलो अच्छा। वहां से हो गए, जैसे ही हम लोग ना मतलब वहां से कंबोडिया अंदर एंटर, मतलब जो मेन इमिग्रेशन का ऑफिस था उसमें ऑफिस घुसने लगे ना मतलब, तो वहां पे एक दलाल सा बंदा आ गया। हाँ अच्छा, इमिग्रेशन पे एंटर करने से पहले ही। पहले से ही आ गया, बोलते यू आर फ्रॉम इंडिया, मैं कहा जा आई एम फ्रॉम इंडिया। बाद में फिर कह लग पाया तुम सीधा करो तुम मेरे नाल आओ। उन्हें साढ़े ना उधर नाल गए, फिर एक ना उठी इमिग्रेशन के साइड देते कमरा जा सीधा। मतलब आपको अपने साथ लेके चला गया, हाँ आपको अपने साथ लेके चला गया, हाँ और गया एक बोलता एक इधर कमरे में से ले एक अपने कमरे में लेके चला गया। आपके जो भी लगेज वगैरह हैंडबैग वगैरह ना वहां पे एक कमरे में पहले उसने रखवा लिए सारे हमारे। अच्छा। फिर जहां इमिग्रेशन है ना वो ऑफिस पार करवा के, जहां इमिग्रेशन वाली खिड़कियां हैं वहां से ऑफिस पार करके, जहां ना कंबोडिया का एग्जिट होता है दूसरी तरफ का बॉर्डर का, उधर ले गया। उधर ना एक साइड में एक रूम था, वहां पे बैठा लिया हम लोगों को। अच्छा। तो 6 बंदे थे हम लोग, 6 के 6 वहां पे चले गए। पहले तो हमसे बहुत हंस हंस के बातें करने लगा, वैसे ही पासपोर्ट दिखाओ अपना नाम बताओ, फिर मतलब डिटेल वगैरह लिए, एक कॉपी पेन लिया उसमें फिर सबका नाम लिख के बोला अपने पास मतलब अपने पास जितने जितने पैसे ना वो मेरे के पास लेके आओ। हमने उसके पास लेके गए, तो कुछ लोगों के पास यूरो थे, कुछ के पास डॉलर थे, मेरे पास भी डॉलर थे। फिर उसको गिनाए वहां पे, फिर वो बोल रहा बैठ गया। फिर
वो ना इंग्लिश में कहने लगा कि आपको पता ही है मतलब इंडियन हो और पाकिस्तान को ना इधर से बॉर्डर से एंट्री नहीं देंगे ये लोग। अच्छा ते पाकिस्तान उसने अपना चाइना का यहाँ पे राज चलता है कुछ है, तो चाइना वाले जो है ना वो मतलब ये नहीं करते, एग्री नहीं है कि इंडियन को और पाकिस्तान को बॉर्डर से एंट्री देनी है। अच्छा तो आप ऐसे अभी या तो एयर से आओ जा ना, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। कहता मैं एंट्री तो ला दूंगा, किसी से को मत बताना, मैं ना ये मतलब 100 100 डॉलर लूंगा एक एक बंदे से। वो अच्छा 100 डॉलर लेगा। तो सुनते रहे मुझे क्या बोल रहा है, मतलब बहुत प्यार से बोल रहा था 100 100 डॉलर दे दो मैं आपको एंट्री देता हूँ, इमिग्रेशन के पास भी नहीं जाने दूंगा, अपने आप आपके पासपोर्ट में एंट्री लगाऊंगा और आपको बाहर निकाल दूंगा इधर से। पहले तो हम सुनते रहे, बाद में काफी हो गया, बाद में ना वो डील करने लग गया, साथ वाले डील करने लग गए, ऐसे करो आप ना 2 2 यूरो ले लो, हम लोगों को एग्जिट दे दो यहाँ से, हम बाहर निकल जाते हैं कंबोडिया बॉर्डर के थ्रू एंट्री लग। नहीं वो माने ही नहीं, दो दो नहीं, फिर बोलने लगा मैं कौन सा पैसे लेता हूँ जो कुछ, मैं तो आपका ही पैसा कर रहा हूँ जो। फिर हम लोग गर्म हो गए, हम लोगों ने बोला ऐसे करो आप लिख के दे दो, समझ लिख के दे दे कि आप हमें एग्जिट मतलब एंट्री नहीं दोगे तो हम लोग चले जाएंगे अभी यहाँ से अपने पासपोर्ट लेके, तो वापस चला उसकी तरफ। वो बंदा चिढ़ गया हम लोगों से, मतलब वायलट सा हो गया अच्छा वो, चिढ़ गया। फिर उसने पता क्या, हमारे जोर से पासपोर्ट मारे टेबल अच्छा पे, वापिस फेंक दी। अच्छा पासपोर्ट मारे, तो हम लोगों भी फिर गुस्से भी आ गए, हम लोग चलो फिर कहाँ जाना, वो चल गया। फिर उधर हमें इमिग्रेशन के ऑफिस में ले गया उधर जाके, तो इमिग्रेशन वालों ने फिर हम लोगों को ना पहले तो चेयर पे बैठाया, सबके पासपोर्ट ले लिए, सबसे क्वेश्चन करने लगा कि आप अपने वीजे दिखाओ किस किस के पास है। तो हम लोगों का पास स्टिकर वीजा था मेरे पास और साथ वाले लड़के के पास ना, तो हमने स्टिकर वीजा दे दिया उसको, और दूसरे बंदे थे उनके पास ना ई वीजा था, अच्छा उन्होंने ई वीजा दिखा दिया। मेरे से पूछ रहा आगे तूने कहाँ जाना, मैं कहा मैंने तो आगे मलेशिया जाना, मैंने मलेशिया वाला वीजा भी दिखा दिया उनको। तो बाद में उन्होंने सानू क्वेश्चन और पूछे, तू किन्ने दिन ले आए हैं, कितने जाना आया, मतलब इदे का। मैं ठीक है, फिर साढ़े ना वो भी साढ़े ना बार्गेनिंग जी कर लग पे पैसे आ रहे कि है ना तुम इदा करो, तुम साढ़े कंट्री में आया तो साड़ी कुछ हेल्प करो। अच्छा तो भाई हमारी हेल्प करो, इमिग्रेशन वाले भी बोल रहे थे। हाँ तो फिर हमने बोला बताओ आपकी क्या हेल्प करें, कहता जो भी हो आप देख लो। हमने अच्छा कहा हमारे पास कीप पड़े हैं 20 20 हजार कीप, आप 20 20 हजार कीप ले लो, तो इंग्लिश में ही बोल रहे थे वो। इंग्लिश में बोल रहे थे। अच्छा तो बाद में ना मतलब उनके पास ई वीजा था, तो उनको बोलने लगा प्रिंट आउट ले आओ, उसको बोलने लगे साथ वाले लड़कों को। तो हम लोगों ने बोला हमारे पास तो स्टिकर वीजा है, वो साथ वाला लड़का ही बोल रहा था, वो उनको उससे चिढ़ गया, कहता तुम मत बोलो तेरे को नहीं बोल रहे, उन चार लड़कों को बोल रहे हैं। अच्छा तो अच्छा बस ऐसे ही फिर बातें करते रहे थोड़ा जरा, तो बाद में चुके लग पे कि इदा करो तुम इदा करो, इमिग्रेशन दे वास्ते चल जाओ, साढ़े तो पैसे भी नहीं ले उन्होंने, फिर कोई कोई पैसा नहीं लिया साढ़े, अच्छा अच्छा वो अच्छा चार लड़कियों को बाहर ले गया। ओके ओके। मतलब ये है कि भाई जो दलाल है ना उधर कंबोडिया में एंटर करने से पहले जो मिलते हैं उनसे बचना चाहिए आपके हिसाब हाँ से। उसने वो एक ही बंदा है वहां पे, वही मिलता है सबको। अच्छा वही मिलता है सबको। हाँ वही मिलता है सबको। ओके चलो अच्छा हमारा इमिग्रेशन भी हो गया, सारा कुछ हो गया, हम जब एग्जिट हो गए ना वो फिर आया वहां पे, फिर फिर क्या बोला। बोलने लगा कि मतलब तुम लोगों ने ना हमें पैसे नहीं दिए, जो नहीं दिए ना, जब एंटर तो हो गए, जब आप एग्जिट हो गए ना तब तेरे को पता लगेगा क्या क्या होता है क्यों नहीं होता है, डॉक्यूमेंट वगैरह बहुत कुछ ऐसे बोला, तुम लैंड बॉर्डर से आए हो तुम्हें अच्छा एयर से जाना है तुम्हें फिर पता लगेगा, मतलब हमें धमकाने लग गया। अच्छा हमने बोला कोई बात नहीं देखा जाएगा, हम कौन सा डरते हैं बता। तो सही बात बाद है। में उते फिर असी ना मतलब जिहड़ियां गड्डियां वगैरह सी उतो ही फैनम फॉर्म जाना सी, ते वो फैनम फॉर्म दे करके असी ना बहुत सारी गड्डियां वगैरह पूछा, सारे साढ़े तो 28 28 डॉलर मांगते हुए सी 28 डॉलर। फैनम फॉर्म दे, क्योंकि फैनम फॉर्म उतो सीगा करीब काफी दूर सी, 8 9 घंटे का राह हैगा यार। अच्छा तो फिर वो हमने बोला चलो ऐसे करो कोई बात नहीं 25 25 डॉलर दे देते हैं हम लोग, हम फिर मैं चलो खाना पीना खाते हैं तो फिर चलते हैं। तो बाद में वो फिर वहां पे दलाल साहब आ गया, उन लोगों को बोलने लगा कि इन ये पंजाबी लोग हैं इंडिया से आए हैं, इनको नहीं एंट्री देनी, कहता किसी ने अपनी गाड़ी में नहीं बैठाना, कहता अच्छा बाहर आके ये बोल रहा उठा है। ओ लगा। तेरी फिर वही जो वही बंदे थे ना वो ये बोलने रखो। लग हाँ गए मतलब कि हम लोगों ना
आपको लेके जाएंगे, $40 आपको ना, जहाँ पास में ना एक बस अड्डा है, मतलब 16-17 किलोमीटर में, हम लोग वहां छोड़ देंगे, $40-40 लेंगे। लोग बोलने लगे अभी आप तो $25-25 में मार गए थे हमें फेनोफॉर्म छोड़ने के लिए, तो 17-18 किलोमीटर में छोड़ रहे हैं। कहते नहीं, फिर हम लोग नहीं ऐसे छोड़ेंगे कुछ भी। उसने जिसके पास भी जाते थे ना, उसी के पास जाके हम बोलता था कि इनको नहीं लेके जा, मतलब $70 मेरे को दो, आ मैं बस अड्डे तक छोड़ता हूँ सबको, 6 जन। सही है। अपने बोला $70 तो बहुत ज्यादा है, ये $20-25 में सभी को छोड़ने की बात कर रहा था, अभी तो $70 मांग रहा है। कुछ करते करते बार्गेनिंग करने लग गया, फिर उन्हीं उन्हीं $50 तक आ गया। फिर अच्छा हमने ना फिर पैदल ही वहां से शुरू कर दिया चलना, मतलब 2-3 किलोमीटर तक पैदल गए, वो मेरे हमारे पीछे गाड़ी वाला पैदल पीछे पीछे आया। फिर हमने बोला नहीं हमने जाना ही नहीं है, तू पैसे ही बहुत मांग रहा। तो फिर अगेन ना हम लोग चलते गए, एक ट्रक वाला आया, उसने हम लोगों से ना मतलब फिर वो भी ना हमसे $12-13 मांग रहा था कि शहर तक छोड़ देता हूँ। तो फिर उसको हमने बहुत प्यार से ट्रीट किया, मनाया गया, तू हैंडसम है, जो है वह है, ऐसे बोल बोल के ना, मतलब उसको हम लोगों ने 4 लाख कीप दिए सभी ने मिल के। ओके मतलब कुल मिला के देखे तो वहां पे सारे ही ऐसे हैं, मतलब सारे ही ज्यादा ज्यादा पैसे मांगते हैं और कोशिश करते हैं कि इनसे वो लूट लें। हाँ, तो वहां से 17 वहां पे बस अड्डा आता है, वहां पे गए, और रात को वहां से 9 बजे बस चलती है फैनम फॉर्म के लिए। तो वहां से हमने $12-12 एक एक बंदे ने दिए, और उसने हमें सुबह 5-6 साढ़े 5 बजे कैपिटल में उतार दिया फैनम फॉर्म में। ओके तो ये था भाई। देखो बाय लैंड बॉर्डर अगर आप जाते हो लाओस से या फिर थाईलैंड से भी, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप इस चीज़ को अवॉइड करो या फिर आप बाय एयर आप जाओ। बाय एयर आप जाओ तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बट ये है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे कि नहीं मैंने सर, बताया, लैंड में भी प्रॉब्लम नहीं आती, अगर ये बंदा ना कम्युनिकेशन करना जानता हो, अगर सबको उसको रूल्स बताओ, डॉक्यूमेंट्स पर रहो, सारे हो उनके पास, आ सकता है, ऐसा नहीं आ बात। सकता है। मतलब अच्छे से अगर आप अपने पूरी जो अपनी जर्नी है ना उसको पूरी प्रिपेयर करके आओ, और जैसे इन्होंने बताया कि ये चीज़ होती है तो इसके लिए आप पहले प्रिपेयर रहो कि वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है और इससे आपको कैसे बचना है। ऐसे आप लोग भी कर सकते हो, राइट? तो भाई ये भी ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हैं, और ये ट्रैवल हिस्ट्री जब अपने पूरा फिनिश करेंगे तो वो एक्सपीरियंस लोग साथ शेयर करेंगे कि कैसे इन्होंने किया, कितने में किया और कैसे कैसे इन्होंने ट्रैवल किया, कौन कौन सी कंट्री ट्रैवल करी है, तो वो भी आप लोग साथ शेयर करेंगे ज़रूर। और इस वीडियो को आप शेयर करना ताकि लोगों को पता चले, जिनको ऐसे ऐसे ट्रैवल प्लान है जिनका, वो बच सकें और उनको थोड़ी सेफ्टी से वो ट्रैवल कर सकें।